Hello students, good morning and again welcome to eSaral. This is Dr. Shivani Bhargav. All of you guys ready for today's session? Say yes with full of energy. Chaliye, let's get started with the first class. Humne jo algae ki jo teen subclasses dekhi, isme sabse pehla jo hai that is the chlorophyta. Chlorophyci ya phir isse hum kehte hain chlorophyta. Ya phir chlorophyci keh dijiye. इट इज द ग्रीन एल्गी. ऑलरेडी लास्ट सेशन की कुछ भूली बिसरी यादें होंगी तुम्हें, तो उससे पता होगा क्लोरोफाइटा दैट इज द ग्रीन एल्गी, फियोफाइटा दैट इज द ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइटा दैट इज द रेड एल्गी. सबसे पहले क्लोरोफाइसी दैट इज द क्लोरोफाइटा हम ग्रीन एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए बच्चा क्लोरोफाइटा दैट इज द ग्रीन एल्गी की मैं बात करूं तो जैसा कि इसका जो दूसरा नाम मैंने बोला ग्रीन एल्गी, बिल्कुल इसके नाम के ऊपर ही है. क्लोरोफाइटा इस पर्टिकुलर सब क्लास के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे ग्रीन कलर के ही होते हैं. अब आपको एक चीज जो दिमाग में यहां से क्लिक कर रही होगी वो ये कि मैम ऐसे तो सर ब्राउन एल्गी हम जो पढ़ेंगे उसके सारे मेंबर्स क्या ब्राउन कलर के होंगे, रोडोफाइटा दैट इज द रेड एल्गी जब हम पढ़ेंगे तो क्या उसके सारे मेंबर रेड कलर के होंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता है. रेड एल्गी के जरूरी नहीं सारे मेंबर्स रेड कलर के ही होते हैं, ब्लू ग्रीन कलर के भी होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी हैं. वो जैसे जैसे हम उसके ऊपर बढ़ेंगे मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगी, बट यहां आपको ध्यान रखना है क्लोरोफाइसी के अंदर दैट इज द ग्रीन एल्गी के अंदर इसके सारे मेंबर्स आपके ग्रीन कलर के ही होते हैं. पहला पॉइंट तो ये. दूसरा पॉइंट, इसे मोस्ट एडवांस्ड एल्गी भी हम कहते हैं. क्या कह रहे हैं बच्चे, क्लोरोफाइटा को, क्लोरोफाइसी को हम कह रहे हैं मोस्ट एडवांस्ड एल्गी. मोस्ट एडवांस्ड एल्गी कहते हैं इस वजह से इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं ये आपके हायर प्लांट्स को रिजेंबल करते हैं, उनके जैसे ही हैं. तो ग्रीन एल्गी जो है सबसे मोस्ट एडवांस्ड एल्गी यही है. फिर इसके बाद हम इसके हैबिटेट की बात करें कि ये पाई कहां जाएगी, ये मिलेंगी कहां. तो ग्रीन एल्गी जो है बच्चों ये कॉस्मोपॉलिटियन नेचर की है. कॉस्मोपॉलिटियन नेचर से मतलब आप समझते हैं ना, सब जगह मिलेगी, सब जगह पाई जाएगी. तो कॉस्मोपॉलिटियन इनका नेचर है. सेलवॉल की बात करें तो वैसे तो आर एच विटेकर फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से आपको एक चीज पता है कि हाँ भाई किंगडम प्लांटे की बात करते तो सेलुलोसिक सेलवॉल तो होती है, बट इसमें हम जो जो पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा डिटेल जाएंगे. तो ग्रीन एल्गी की मैं बात करूं तो इसकी जो सेलवॉल है उसमें इनर लेयर तो आपकी सेलुलोज की और आउटर लेयर जो है ये पेक्टोज की बनी हुई है. ठीक है, तो ये हमने देखा. फिर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, ये यूनिसेलुलर भी है, ये कॉलोनियल भी है, ये मल्टीसेलुलर फिलामेंटस भी है, तो ये मल्टीसेलुलर थायलॉइड भी है. क्या है, क्या एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स बेहद इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन नीट के एग्जाम में बनता है. तो चलिए पहले हमने जितना डिस्कस किया उतना हम लोग लिख लेते हैं. सबसे पहला पॉइंट तो जो इसका मैंने नाम लिखा है दूसरा नाम की क्लोरोफाइसी को ही हम क्या कह रहे हैं बच्चों, इसे हम ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट यही कि इसे ग्रीन एल्गी कह रहे हैं तो इसके जो भी मेंबर्स होंगे इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास दे आर ग्रीन इन कलर, वो ग्रीन कलर के ही होंगे. ठीक है, ऑल द मेंबर्स, जो भी मेंबर्स इस ग्रुप के अंदर इस क्लास के अंदर इंक्लूडेड है, ऑल द मेंबर्स इंक्लूडेड इन दिस क्लास, ऑल द मेंबर इंक्लूडेड इन दिस क्लास, यस जैसा कि इसका नाम है दे आर ग्रीन इन कलर, वो ग्रीन कलर के ही होंगे. ऑल द मेंबर्स इंक्लूडेड इन दिस क्लास दे आर ग्रीन इन कलर, ये पहला की पॉइंट हो गया. दूसरी चीज बच्चों, हम लोग क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी को हम क्या कहते हैं, इट इज द मोस्ट एडवांस्ड एल्गी, इट इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ फायर प्लांट. सबसे एडवांस्ड एल्गी यही है आपकी, इट इज द क्लोरोफाइटा जो है दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड एल्गी है, ये मोस्ट एडवांस्ड एल्गी. मोस्ट एडवांस्ड एल्गी क्लोरोफाइटा ही है.
ठीक है, डायरेक्ट एंसेस्टर ये भी लिख लो, मोस्ट एडवांस है तो सिमिलर टू द हायर प्लांट ऑफ एटलिजा, इट इज कंसिडर्ड एज द डायरेक्ट एंसेस्टर्स ऑफ हायर प्लांट्स, डायरेक्ट एंसेस्टर्स ऑफ हायर प्लांट्स. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करेंगे इसके हैबिटेट की, कि जो ग्रीन एल्गी है ये पाई कहाँ जाएंगी, मिलेंगी कहाँ. हैबिटेट की अगर हम बात करें, हैबिटेट के बारे में अगर हम बात करें, तो ये कॉस्मोपॉलिटियन नेचर की है, यानी कि सब जगह पाई जाती है. ठीक है, दे आर कॉस्मोपॉलिटियन इन नेचर, कॉस्मोपॉलिटियन नेचर की है, यानी कि सब जगह पाई जाती है. ठीक, ये इसके नेचर के बारे में हमने बात कर ली, हैबिटेट के बारे में बात कर ली कि मिलेंगी कहां. फिर हमने सेलवॉल देखी कि सेलवॉल ऑफ ग्रीन एल्गी इज मेड अप ऑफ इनर लेयर तो सेलुलोज की बनी है, आउटर लेयर पेक्टोज की बनी है. लिख लीजिए, तो नेक्स्ट पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी. सेल वॉल के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे इसकी जी, तो इट इज मेड अप ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्रीन एल्गी इट इज मेड अप ऑफ, हां जी, इनर लेयर किसकी है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ इनर लेयर आपकी सेलुलोज की है और आउटर लेयर पेक्टोज की बनी है. इट इज मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज, इनर लेयर सेलुलोज की है एंड आउटर लेयर जो है ये पेक्टोज की है. इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर जो है पेक्टोज की बनी है, ये हमने इसकी बात की. ठीक है, तो सेलवॉल के बारे में भी बात हो गई. नेक्स्ट, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्रीन एल्गी ये हम बात करेंगे. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्रीन एल्गी. बच्चे यहां से इंपॉर्टेंट है नीट के अंदर, यहां से रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल सेक्शन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्रीन एल्गी हम बात करें, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ग्रीन एल्गी एग्जाम्पल शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. डायरेक्ट क्वेश्चन नीट एग्जाम में यहां से बनता है जी, डायरेक्ट क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्रीन एल्गी की बात करें, डिटेल नहीं, जस्ट एग्जाम्पल. तो क्या है, देखो आपका यूनिसेलुलर भी होती है, ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी भी है, यूनिसेलुलर फॉर्म में भी ये प्रेजेंट है. यूनिसेलुलर की बात चल रही, तो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी कौन सी है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं. यूनिसेलुलर में हम इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, क्लेमाइडोमोनास है. यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास. यस, एनीबडी फ्रॉम द क्लास, इसके अलावा बोलते जाओ, मैम क्या बात कर रहे हो, एग्जाम्पल पूछ रहे हो आप हमसे, थ्योरी पूछते तो भी हम तो नील बटा सन्नाटा हो जाते हैं बॉटनी के अंदर, स्पेशली प्लांट किंगडम में आप तो एग्जाम्पल की बात कर रहे हो. अरे कोई तो नालायक बच्चा होगा मेरा. हाँ जी बिल्कुल, क्लेमाइडोमोनास. हाँ आवाज दो, मैंने बोला ना मुझे सुनाई देता है. क्लेमाइडोमोनास, मन से आवाज दो सुनाई देगी. क्या बोल रहे हो, ऐसे क्या लिखूं, एसिटाबुलेरिया. वेरी गुड जी, एसिटाबुलेरिया. और एक और, वन मोर एग्जाम्पल, क्लोरेला. जी तो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला एंड एसिटाबुलेरिया, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी. नीट के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी बनती है यहां से क्वेश्चन के पूछे जाने की. ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, एसिटाबुलेरिया एंड क्लोरेला, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ ग्रीन एल्गी. नेक्स्ट, यूनिसेलुलर हो गया, ये कॉलोनियल फॉर्म में भी अवेलेबल है. ठीक है, कॉलोनियल फॉर्म में भी होती है. ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी. यस, वॉल्वॉक्स, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोटाइल कॉलोनी है ये. डायरेक्ट क्वेश्चन ऑलरेडी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, वॉल्वॉक्स मोटाइल कॉलोनी है. ठीक,
तीसरा जो फॉर्म है इसका मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म में भी अवेलेबल है. कौन सा बच्चा? मल्टी सेलुलर. डायरेक्ट एग्जांपल्स याद रखने हैं, रटे हुए होने चाहिए जी. बिल्कुल क्वेश्चन आता है यहां से. मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी. मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म ऑफ ग्रीन एल्गी. यस एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास? ज्यादा नहीं लिखवा रही मैं जो एग्जाम में, और गारंटी इन एग्जांपल्स के बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन जितने लिखवा रही उसमें शॉर्टकट मत मार लेना, उतने याद होने जरूरी है. यस हाँ जी, बोलिए. आवाज आती है, मैंने बोला ना दिल से आवाज जो बिल्कुल मैम को यहां तक सुनाई देता है जी. बिल्कुल. यूलोथ्रिक्स एक है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा. यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, दिस इज द मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म. फोर्थ फॉर्म जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, मल्टी सेलुलर थायलॉइड, या फिर कहते हैं मल्टी सेलुलर पैरेन्काइमेटस. यस एनीबडी फ्रॉम द क्लास? अजी बोलिए तो सही. ऐसे क्या एकदम चुपचाप बैठे हो? मल्टी सेलुलर थायलॉइड, या फिर इसे बच्चे मल्टी सेलुलर पैरेन्काइमेटस फॉर्म भी कहते हैं. पैरेन्काइमेटस एकमात्र एग्जाम्पल इसके अंदर हम पढ़ते हैं. चलो थोड़ा सा हिंट देती हूं, उसे सी लेट्यूस के नाम से भी जाना जाता है. जल्दी बोलो तो. सी लेट्यूस बोलते हैं, तो पॉन्ड वूल कौन है? तो सिल्क वूल कौन है? सब आएगा आगे आगे. मैम इतना मत पूछो, इतना नहीं याद है. अल्वा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर थायलॉइड और द पैरेन्काइमेटस फॉर्म ऑफ ग्रीन आईवी. तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए. अब थोड़ा सा होमवर्क हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में किया था, एक चार्ट बनाया था, तो चलिए वही मैं आपको यहाँ पर करेंगे. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इसमें तो कोई नालायकी होनी नहीं चाहिए. आपको पता होगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें हम लोग, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं इसके अंदर. ऑलरेडी डिस्कस किया था बेटा कि पहली चीज तो, दो चीजें तो हम आंख बंद करके जो लिख देते हैं वो ये कि क्लोरोफिल ए, एक तो ये होना ही होना है, और चाहे दूसरी बात करूं मैं बीटा कैरोटीन की, चाहे आप तमाम क्लोरोफाइटा पूछो, चाहे फियोफाइटा पूछो, चाहे रोडोफाइटा, तीनों के अंदर हम ये लिख देंगे क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन. क्यों? क्योंकि ये है आपके यूनिवर्सल पिगमेंट. इसी तरीके से याद करा था तो, और लेकिन हमने सीक्वेंस भी ऐसे याद किया था, क्लोरोफाइसी फिर फियोफाइसी फिर रोडोफाइसी. क्लोरोफाइटा की बात करें, ए आ गया, ए के बाद क्या आता है? बी. तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, इसी ट्रिक से याद किया था लास्ट क्लास में जी. भूली बिसरी यादें होंगी उनकी, है कि वो भी गायब, वो गायब, अफोर्डेबल नहीं है. हाँ जी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन, ये हो गया. और ज़ैंथोफिल में क्या पढ़ते हैं हम? ज़ैंथोफिल, ल्यूटिया ज़ैंथिन एंड वायलेज़ैंथिन. शायद मैंने सिर्फ ज़ैंथोफिल लिखा के रह गई थी मैं चार्ट में. ल्यूटिया ज़ैंथिन एंड वायलेज़ैंथिन should be on your fingertips. बहुत important है, question आता ही आता है यहां से. और फिर उसके बाद, ये तो हमने photosynthetic pigments पढ़ लिए इसके, हम यहां पर इसका stored food से भी question आता है. Yes, chlorophyta का stored food बताओ बेटा, क्या पढ़ा stored food के अंदर हमने? इसके अंदर starch, yes, and oil droplets. These are the examples of starch and oil droplets. Starch and oil droplets. ये इसका stored food हम लोगों ने discuss कर लिया. और ये वाला section सबसे ज्यादा important है, और जो already हमने chart में थोड़ा सा एक idea इसका लिया था, but फिर भी इसको यहाँ पर 3-star mark कर लो. Photosynthetic pigment और stored food question आ जाता है बेटा. ठीक, already पूछे जा चुके हैं और ये exam में multiple times, multiple मतलब बहुत ही रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से, बहुत अच्छा फ्रीक्वेंसी है यहाँ से क्वेश्चन आने का. तो ये हमने स्टोर्ड फूड के बारे में बात कर ली. अब इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के बारे में हम बात करेंगे कि इसका यूज क्या है, ये इकोनॉमिकली कैसे इंपॉर्टेंट है. तो चलिए, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफाइटा, दैट इज द ग्रीन एल्गी. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक importance. सबसे पहला तो है
ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइटा के जो नंबर इट इज यूज्ड एज अ फूड, क्योंकि स्पाइरुलिना सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट किसी के अंदर होता है तो स्पाइरुलिना के अंदर होता है। स्पाइरुलिना के बाद क्लोरेला, क्लोरेला हमने यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी का एग्जांपल पढ़ा था, क्लोरेला जो है इट इज यूज्ड एज अ फूड। रीजन, स्पाइरुलिना के बाद सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट अगर किसी में है तो इसी के अंदर है, तो इसे एज अ फूड इस्तेमाल में लिया जाता है, ये इसका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इसमें हमने क्लोरेला के बारे में पढ़ा, तो क्लोरेला जो है इट इज यूज्ड एज अ फूड, क्लोरेला is used as a food क्योंकि spirulina के बाद, because after spirulina सबसे ज्यादा protein content इसी के अंदर present होता है बेटा, because after spirulina it has good प्रोटीन कंटेंट। तो एक तो एज अ फूड इसको इस्तेमाल में लिया जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो है ये आपके स्पेस ट्रैवलर्स द्वारा, स्पेस ट्रैवलर्स भी इसे एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इसे यूज करते हैं। इसे एज एन एंटीबायोटिक, क्लोरेला से क्लोरेलिन एंटीबायोटिक मिलती है, तो एंटीबायोटिक के फॉर्म में स्पेस ट्रैवलर्स इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। दीज ऑल आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। तो फूड हो गया, दूसरा हम बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक। तो क्लोरेलिन नाम की एंटीबायोटिक इससे मिलती है अपन को, ठीक है। क्लोरेलिन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरेला। एंटीबायोटिक इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरेला। तो एंटीबायोटिक की तरह ले लिया, फिर स्पेस ट्रैवलर भी इसको यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? तो क्लोरेला इज यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन बाय द स्पेस ट्रैवलर्स। जो अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं ना, स्पेस ट्रैवलर्स जो है वो इसको एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्लोरेला जो है इट इज यूज एज अ, क्लोरेला इज यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, इट इज यूज एज अ source of food and source of oxygen it is used as a source of food and a source of oxygen by space travelers aise istemal karte hain, theek hai, ye yaad rakh lena, theek। इट इज ऑल अबाउट द ग्रीन एल्गी दैट इज द क्लोरोफाइसी। इज इट क्लियर टू ऑल माई डियर एंड लवली स्टूडेंट? से यस और नो। यहां तक की उम्मीद करती हूँ सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। चिंता मत करो, चैप्टर एंड पर एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड डीकोड में आपके साथ करूंगी। तो पहले आप जस्ट इसको पढ़ते जाओ रोज, इसको घर बैठ के मतलब सेशन के बाद इसको तुरंत आप इसको पढ़िए। उसके बाद जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड डिकोड करेंगे तो आपको लगेगा हाँ एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड पॉइंट मुझे क्लियर है ना, ठीक। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। इसके बाद मैं आपका फियोफाइटा दैट इज द ब्राउन एल्गी जो है ये डिस्कस करने जा रही हूं। फियोफाइटा दैट इज द ब्राउन एल्गी या फिर इसे सीवीड्स भी कहा जाता है। या फिर इसे कैल्प्स, ये सब नामों से जाना जाता है बेटा। ठीक है,
फियोफाइटा दैट इज द ब्राउन एल्गी, या फिर कहिए सी वीड्स, या फिर कहिए क्या। ठीक, चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ब्राउन एल्गी यानी कि फियोफाइटा की मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि ये कहाँ मिलेंगे, अब इनका हैबिटेट क्या होगा ब्राउन एल्गी की, तो ये मरीन वाटर, मरीन फॉर्म में ऑफ वाटर में ही ये मिलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन नेचर नहीं है ग्रीन एल्गी की तरह, मरीन वाटर में पाई जाएगी। दूसरा पॉइंट, ठीक है आपने हैबिटेट बता दिया, फॉर्म्स जैसे हमने ग्रीन एल्गी में देखा कि यूनिसेलुलर भी है तो कॉलोनियल भी है, तो मल्टीसेलुलर फिलामेंटस भी है, तो मल्टीसेलुलर थायलॉइड भी है। ऐसे में ब्राउन एल्गी के बारे में बात करूं तो ये मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जितनी भी एल्गी है उसमें ब्राउन एल्गी दे आर लार्जेस्ट इन साइज, इतनी बड़ी होती है, 100 मीटर तक ये फैली हुई होती है, सबसे लार्जेस्ट एल्गी है ये। और इनमें भी सबसे बड़ी कौन सी है, तो लार्जेस्ट मतलब क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा से कंपेयर कर तो लार्जेस्ट एल्गी ब्राउन एल्गी होती है, तो लार्जेस्ट इन साइज। और इसमें भी सबसे बड़ी कौन सी है, तो लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी की अगर मैं बात करूं तो इट इज मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस जो है ये लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है, इतना लिख लेते हैं। क्या बात की, सबसे पहले तो हमने बात की ब्राउन एल्गी के बारे में, इसके हैबिटेट की बारे में बात करें, दे आर फाउंड इन मरीन वाटर, हैबिटेट मरीन वाटर में ही पाई जाएंगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट किस फॉर्म में पाई जाएंगी, तो ब्राउन एल्गी और इसका फॉर्म की मैं बात करूं, ब्राउन एल्गी किस फॉर्म में होती है, तो ये आपकी मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म की है, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस है। फिर मैंने बताया साइज में मैं बात करूं, सबसे बड़ी यही है ब्राउन एल्गी, दे आर लार्जेस्ट इन साइज। ब्राउन एल्गी लगभग 100 मीटर लंबी ये होती है, बहुत बड़ी होती है ब्राउन एल्गी, दे आर, एनसीईआरटी के डायग्राम देख के दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड डीकोड, मतलब पहले हम इसका थ्योरी कंप्लीट करेंगे फिर एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड डीकोड यहां पर होगा, सो नो नीड टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग। आपको पता है एम्स में तो फ्रीक्वेंसी रही है, एम्स वगैरह में पूछते भी हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, अपने नीट में भी आते हैं, एम्स में भी आते हैं, तो बिल्कुल डोंट वरी। और जो डायग्राम बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं एक्सक्लूसिवली फ्रॉम एनसीईआरटी वो उठाते हैं, तो वर्ड टू वर्ड मैं यहाँ डिकोड करूंगी, चिंता मत करो। ठीक है, ब्राउन एल्गी लार्जेस्ट, पहले यहां पर कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेते हैं हम, ब्राउन एल्गी लार्जेस्ट इन साइज, और उसमें भी सबसे बड़ी लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी कौन सी है, तो लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी जो है इट इज मैक्रोसिस्टिस, लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी, लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है बेटा मैक्रोसिस्टिस, सबसे बड़ी है ये इसमें। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी के बारे में ये सारी चीजें हमने देखी कि भाई ब्राउन एल्गी जो है, पहली बात तो नेचर की बात करें तो मरीन वाटर में पाई जाएंगी, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म में होंगी, सबसे बड़ी लार्जेस्ट इन साइज होती, सबसे बड़ी 100 मीटर लगभग, 100 मीटर 100 मीटर इतनी लंबी लंबी ब्राउन एल्गी आप देखोगे, और लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी जो है यहां पर इट इज द मैक्रोसिस्टिस, दिस इज द लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी। अब इसके बाद आप लोगों को ऑलरेडी लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था कि एल्गी की हम बात करें बच्चा, तो इसकी जो प्लांट बॉडी है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर इनिशियल सेशंस, कि इसकी जो प्लांट बॉडी है ये रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती। आप एल्गी आपने सबने देखी होगी, आपने कभी देखा है उसकी लीफ है, ये उसका पत्ता है, ये उसका स्टेम है, ये उसका रूट है, आप कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते थे? यस एवरीबॉडी इन द क्लास, इसमें तो नलायकी मक्कारी एक्सेप्टेबल ही नहीं है, लास्ट सेशन में ही पढ़ाया। यस, जिसमें प्लांट बॉडी रूट स्टेम एंड लीव्स में नहीं डिफरेंशिएट होती, ऐसी प्लांट बॉडी को हम क्या कहते हैं? थैलॉइड टाइप ऑफ प्लांट बॉडी, थैलॉइड टाइप हम कहते हैं, थैलॉइड टाइप ऑफ प्लांट बॉडी। तो थैलॉइड टाइप क्या है ये तो हमें क्लियर है, इसका जो थैलॉइड है ना इसमें क्या होता है, थैलॉइड जो है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, यानी कि रूट स्टेम एंड लीव्स तो है नहीं, फिर क्या है देखिए,
एक तो होता है बेटा लमाइना, या फिर फ्रॉन्ड भी कहते हैं इसे हम, ठीक है। एक है आपका स्टाइप और एक है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट से क्वेश्चन डायरेक्टली आ चुका है, सुन लीजिए क्या है। सबसे पहले मैं लमाइना की बात करूं, जिसे हम फ्रॉन्ड भी कहते हैं। एक्चुअली दिस इज द लीफी, लीफ तो नहीं होती, पत्ती तो नहीं दिखेगी, बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर जरूर है। तो लमाइना और फ्रॉन्ड जो है ये उसका लीफी और फोटोसिंथेटिक पार्ट है। स्टाइप की बात करूं तो बेटा सबसे इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इन इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं ट्रम्पेट हाइफे। क्या कह रहे हैं? इन इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्रम्पेट हाइफे, और इसका काम क्या है, ये फूड कंडक्शन का काम कराती है स्टाइप के अंदर। किसका काम है? फूड कंडक्शन, यानी कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो गया, फूड कंडक्शन का काम कराते हैं। आपकी जो सीव ट्यूब्स होते हैं ना वैस्कुलर, उसका ही एनालॉगस स्ट्रक्चर, यानी कि फंक्शनली सिमिलर टू द सीव ट्यूब, ठीक। और होल्ड फास्ट की मैं बात करूं तो ये अटैचमेंट के अंदर इसका रोल है। और क्योंकि आपकी ब्राउन एल्गी के अंदर लमाइना और स्टाइप प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पत्ती नुमा स्ट्रक्चर इसका लगता है, बिल्कुल वैसा ये देखने में दिखाई देता है, ठीक। क्या क्या बताया? सबसे पहले हमने बात की यहां पर लमाइना और फ्रॉन्ड के बारे में, तो ये लीफी और फोटोसिंथेटिक पार्ट है। लीफी फोटोसिंथेटिक नहीं से होगा, लीफी और फोटोसिंथेटिक पार्ट है ये। लीफी और फोटोसिंथेटिक पार्ट है बेटा, बाकी स्पेस नहीं है। दूसरा पार्ट जो स्टाइप है, इसके बारे में मैं आपको यहां से लिखा देती हूं। स्टाइप की अगर हम लोग बात करें, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड कवरेज मिलेगा, और ये थ्योरी भी उसी पर चल रही है वैसे तो, बट फिर भी तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए एनसीईआरटी पीपीटी चला दूंगी मैं यहां पर, और वर्ड टू वर्ड डिकोड करूंगी, ठीक है। स्टाइप की हम बात करें तो एज वी डिस्कस्ड देयर इज एन इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये, इलोंगेटेड ट्यूब, ठीक है। इसे हम कहते हैं विच इज कॉल्ड इलोंगेटेड ट्यूब कॉल्ड ट्रम्पेट हाइफे, इसे कहा जाता है इलोंगेटेड ट्यूब कॉल्ड ट्रम्पेट हाइफे। ट्रम्पेट हाइफे जो है ये फूड कंडक्शन के लिए प्रेजेंट होता है। इलोंगेटेड ट्यूब कॉल्ड ट्रम्पेट हाइफे दे आर प्रेजेंट फॉर फूड कंडक्शन इन स्टाइप। स्टाइप के अंदर फूड कंडक्शन इसी से होगा। दे आर प्रेजेंट फॉर फूड कंडक्शन इन स्टाइप, ठीक है। फूड कंडक्शन में इसका रोल है। और ये जो सीव ट्यूब्स होती है ना, सीव एलिमेंट्स जो है वेस्कुलर प्लांट में, उसका एनालॉगस स्ट्रक्चर है बेटा। वैसे तो हम इवोल्यूशन वगैरह में पढ़ते हैं, होमोलोगस और एनालॉगस ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। होमोलोगस यानी कि स्ट्रक्चरली सिमिलर है, दिखने में सेम दिखेगा। एंड व्हाट इज द एनालॉगस? मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी नहीं होती, लेकिन फंक्शनली ये सिमिलर होते हैं। दिस इज द एनालॉगस स्ट्रक्चर। तो जो आपका स्टाइप जो है, जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं ना वैस्कुलर प्लांट में, उसका एनालॉगस स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट इज एनालॉगस टू, एनालॉगस यानी कि फंक्शनली सिमिलर, इट इज एनालॉगस टू, इट इज एनालॉगस टू सीव ट्यूब इन वैस्कुलर प्लांट्स। ठीक, सीव ट्यूब के एनालॉगस स्ट्रक्चर है। तो इलांगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हमने ट्रम्पेट हाइफे कहा, ट्रम्पेट हाइफे का रोल फूड कंडक्शन में है। और ये जो है सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं ना वैस्कुलर प्लांट में, उसका एनालॉगस यानी कि फंक्शनली सिमिलर उसका स्ट्रक्चर है। तो एक तो हमने सबसे पहला जो है लमाइन और फ्रॉन्ट पढ़ लिया, सेकेंड पार्ट इसमें स्टाइप हमने पढ़ लिया, जो थर्ड पार्ट है इसका दैट इज द होल्ड फास्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है बेटा जी यहां से, होल्ड नाम है ना, होल्ड, होल्ड मतलब क्या होता है? मैंने पेन
इस पेन को होल्ड कर रखा है. होल्ड मतलब क्या होता है, पकड़ना, तो वही इसका काम है. अटैचमेंट में इसका रोल है. हैव होल्ड फास्ट का रोल किसमें है, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट. इसका रोल है बेटा जी अटैचमेंट के अंदर, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट. हाँ जी, इसके एग्जांपल्स लिख लीजिए. यस एवरीबॉडी फ्रॉम द क्लास, एनीबॉडी इन द क्लास, एवरीबॉडी तो नहीं होगा, एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास. यस होल्ड फास्ट का एग्जांपल, ये ब्राउन एल्गी के एग्जांपल, एग्जांपल्स ऑफ ब्राउन एल्गी ऐसे याद कर लेना. डी ई एफ, डी फॉर डिक्टियोटा, ई फॉर एक्टोकार्पस एंड एफ फॉर फ्यूकस, ऐसे याद रह जाता है. और भी पढ़ेंगे बट ये कुछ फेमस एग्जांपल्स में से है. डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस, डी ई एफ, इनिशिएशन से स्टार्ट हो जाएगा. डी फॉर डिक्टियोटा, ई से एक्टोकार्पस, एफ से फ्यूकस. अब आप सोचोगे एक्चुअली दिक्कत क्या होती है, हम अभी और भी पढ़ेंगे. ग्रीन एल्गी के एग्जांपल पढ़े, ब्राउन पढ़े, रेड के पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होता है कौन सा रेड एल्गी है कौन सा ग्रीन एल्गी है. तो उसके लिए मिलता है डी ई एफ, ऐसे याद रखना. डी फॉर डिक्टियोटा, ई फॉर एक्टोकार्पस एंड एफ फॉर फ्यूकस, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ब्राउन एल्गी. चलिए नेक्स्ट, अब इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यस ऑलरेडी डिस्कस्ड है ना, टेबुलर फॉर्म से याद किया था. क्लोरोफिल एंड बीटा कैरोटीन, तो आंख बंद करके लिख दो. क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरेटिन, तो ये तो है ही है, ये तो यूनिवर्सल पिगमेंट है क्योंकि, ठीक है, ए के बाद बी तो आता था क्लोरोफाइटा में, फियोफाइटा में बी के बाद आता है सी, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटिन ये है. ज़ैंथोफिल बताइए, ल्यूटियाज़ैंथिन एंड वायलोज़ैंथिन, तो आपका था क्लोरोफाइटा के अंदर, फियोफाइटा में ज़ैंथोफिल, इट इज फ्यूकोज़ैंथिन, फ्यूकोज़ैंथिन, ठीक है. स्टोर्ड फूड की भी बात कर लो, लगे हाथों ये बात चली रही है, तो स्टोर्ड फूड की बात करें, उसमें स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स था, ठीक है. हम लोग फियोफाइटा, दैट इज द ब्राउन एल्गी के अंदर स्टोर्ड फूड की बात करें, दैट इज द लैमिनारिन एंड, यस लैमिनारिन एंड मैनिटॉल, लैमिनारिन एंड मैनिटॉल, ये आपका स्टोर्ड फूड है इसके अंदर, ठीक. तो ये स्टोर्ड फूड की बात की कि लैमिनारिन एंड मैनिटॉल, ये आपका स्टोर्ड फूड हो गया. वन मोर पॉइंट, हमने बोला कि यहां पर ये फ्यूकोज़ैंथिन प्रेजेंट होता है, इसका अमाउंट जो है फ्यूकोज़ैंथिन का ब्राउन एल्गी के अंदर अच्छे खासे अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है, तो जो ब्राउन एल्गी का जो ब्राउन कलर होता है वो इस ही की वजह से होता है. ब्राउन कलर ऑफ ब्राउन एल्गी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोज़ैंथिन, ठीक है. फ्यूकोज़ैंथिन जो है लार्ज अमाउंट के अंदर इट इज प्रेजेंट इन, फ्यूकोज़ैंथिन जो है इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन ब्राउन एल्गी, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन ब्राउन एल्गी. ब्राउन एल्गी के अंदर फ्यूकोज़ैंथिन अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होता है. सो ब्राउन कलर ऑफ ब्राउन एल्गी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट. ब्राउन कलर ऑफ ब्राउन एल्गी, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट, फ्यूकोज़ैंथिन की वजह से होता है, इज ड्यू टू दिस पिगमेंट, ठीक है. इसी पिगमेंट के प्रेजेंस होने की वजह से ब्राउन एल्गी जो है ये ब्राउन कलर की होती है. आगे बात समझ में, तो ये हमने इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या है, इसके स्टोर्ड फूड क्या है, ये भी हम लोगों ने देख लिया. नेक्स्ट बेटा एक टर्म यूज होता है, दैट इज द फाइकोकोलॉइड. आपने अगर सुना हो एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज द फाइकोकोलॉइड. इसका मतलब क्या होता है आपको पता है, इसके अंदर क्या है बेटा, आपकी जो ब्राउन एल्गी है उसकी सेल वॉल पर
कुछ कोलोइडल सब्सटेंस लाइक फ्यूकोइडिन, फ्यूकिनिक एसिड, एल्जिनिक एसिड, ये सब प्रेजेंट होते हैं, इसे हम कहते हैं फाइकोकोलाइड। और ये जो है आपको कि ब्राउन एल्गी को डेसिकेशन ऑन शॉक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या बोला, फाइकोकोलाइड्स क्या है? ऑन द सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी की सेल वॉल के ऊपर कुछ कोलोइडल सब्सटेंस जैसे कि फ्यूसिनिक एसिड, एल्जिनिक एसिड, फ्यूकोइडिन, ये कुछ कोलोइडल सब्सटेंस प्रेजेंट है, इनको हम कह रहे हैं फाइकोकोलाइड। और ये आपके ब्राउन एल्गी को शॉक से या डेसिकेशन से प्रोटेक्शन देता है, उसे बचाता है। ठीक है, चलिए लिखिए। तो फाइकोकोलाइड की बात हम करें तो ये होता क्या है, तो ऑन द सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी, इसकी सेल वॉल के ऊपर कुछ कोलोइडल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ऑन द सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी सम कोलोइडल सब्सटेंस जैसे कि फ्यूकिनिक एसिड, एल्जिनिक एसिड, एंड फ्यूकोइडिन, ये प्रेजेंट होते हैं। इसी को हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड फाइकोकोलॉइड। ये जो फाइकोकोलॉइड्स हैं, ये आपकी ब्राउन एल्गी को डेसिकेशन और शॉक से प्रोटेक्शन देते हैं। फाइकोकोलॉइड का काम क्या है, इट प्रोटेक्ट द ब्राउन एल्गी, फाइकोकोलॉइड, इट प्रोटेक्ट द ब्राउन एल्गी अगेंस्ट डेसिकेशन एंड शॉक, इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपके ब्राउन एल्गी को डेसिकेशन एंड शॉक से प्रोटेक्शन देता है। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें, बेहद इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप लोग को ऑलरेडी लास्ट सेशन में मैंने ये पढ़ाया था कि एल्गी जो है ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक टाइप है, बट एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन? ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी डायरेक्ट क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्राउन एल्गी के अंदर हमने जो एग्जाम्पल पढ़े थे ना, ये एक्टोकार्पस, ये एक्टोकार्पस एक्सेप्शनली, एक्टोकार्पस का जो है डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है, और फ्यूकस की मैं बात करूं तो इसमें डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, वैसे तो एल्गी की हम बात कर रहे हैं हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होता है, बट उसमें एक्सेप्शन है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में भी जो एक्टोकार्पस है इसका डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है, फ्यूकस की मैं बात करूं तो डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इसका होता है। तो चलिए लाइफ साइकिल वाला पॉइंट ये लिख लेते हैं। ये हो गया आपका फाइकोकोलाइड के बारे में। एक्सेप्शनली नेक्स्ट हम पॉइंट जो लिख रहे हैं, मेक इट अ 5-star mark, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या मैं बात कर रही हूं, एक्सेप्शनली, क्योंकि नॉर्मली तो एल्गी की हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, एक्सेप्शनली लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस ये होती है डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप, डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है। एंड फ्यूकस का जो लाइफ साइकिल है इट इज डिप्लॉन्टिक टाइप, एंड लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूकस इट इज डिप्लॉन्टिक टाइप। ठीक है, एक्टोकार्पस की जो लाइफ साइकिल है
ये डिप्लो हैपलोंटिक टाइप है और फ्यूकस का जो लाइफ साइकिल है ये डिप्लोंटिक टाइप है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा, अच्छा, एल्जिनेट और एल्जिनिक एसिड के बारे में एक पॉइंट यहां दे रखा है, ये किससे ऑब्टेंड होता है ये भी देख लो। एल्जिनेट एंड एल्जिनिक एसिड, इसका अच्छा पहले तो आपने एनसीईआरटी में कहीं थोड़ा सा कोने में दे रखा है, मैं जब डिकोड करूंगी तो बताऊंगी एल्जिनेट का काम क्या होता है। आप लोगों ने मतलब ये आमतौर पर देखा होगा, जब ओल्ड एज में जाते हैं तो बत्तीसी नहीं बनवानी पड़ जाती कभी कभी, पूरे दांत निकल जाते हैं। वैसे आजकल जमाना इम्प्लांट का, इम्प्लांट करते हैं, लेकिन पॉकेट फ्रेंडली भी तो होना चाहिए, उतना बजट भी तो होना चाहिए। मान लीजिए बजट नहीं है, ठीक है, कोई बुढ़ा इंसान है, एस्थेटिक का कोई दिक्कत नहीं है। एस्थेटिक मतलब इम्प्लांट जो होते हैं बिल्कुल आपके नेचुरल टीथ की तरह रिजेंबल करते हैं, तो एस्थेटिक का प्रॉब्लम नहीं है उनको, मतलब उनको दिखने में सुंदर हो इससे, मतलब सुंदर तो होता ही है, सीडी भी अच्छा दिखता है, बट दिखावे पर ना जाओ। अपनी अकल लड़ाओ वाली चीज़ ना, कि सिर्फ दिखावा नहीं करना उन्हें बत्तीसी का। कोई बुजुर्ग आदमी, उसे चाहिए कि भाई मेरे को खाना खाने में तकलीफ है इसलिए मेरे को बत्तीसी बनवानी है। और या फिर किसी को यंग एज में भी किसी का एक हाथ दांत टूट जाता है तो हम रिमूवल पार्शियल डेंचर लगवाते हैं, तो जो आरपीडी जो बनती है, तो वो जो आरपीडी अपन जो बनवाते हैं उसमें जो टीथ जो बनवा रहे हैं, मान लीजिए बजट नहीं है इम्प्लांट का, आप आरपीडी लगवा रहे हैं, तो आपने एक चीज नोट की होगी कि पहले आपका ना मुंह का नाप लिया जाता है, तो वैसे कुछ एक मिक्सचर होता है पिंक से कलर का, उसको ऐसा मिक्स किया जाता है, फिर उसको एक मैक्सिलरी प्लेट होती है, एक मैंडिबुलर प्लेट होती है। मैक्सिलरी प्लेट जो ऊपर वाला जो अपर जॉ का आपका इंप्रेशन लेते हैं, मैंडिबुलर प्लेट से लोअर जॉ का इंप्रेशन लेते हैं, तो ऐसे वो कुछ एक मिक्सचर होता है जिसे वो बाउल के अंदर मिक्स करते हैं, उस प्लेट के अंदर भरते हैं, फिर आपके मुंह में लगाते हैं, फिर जब उसे थोड़ी देर बाद निकालते हैं तो आपके मुंह का पूरी वो जो छाप है उसका इम्प्रेशन जो है वो उसके ऊपर आ जाता है, और फिर बस आपको वो भेज देते हैं, उसमें वो कुछ फिल विल करते हैं, फिर दांत बन के आ जाते हैं। तो वो जो मिक्सचर जो उन्होंने मिक्स किया जिससे कि आपके मुंह का इम्प्रेशन दिया, वो कुछ और नहीं, वो एल्जिनेट ही होता है। आपने कई बार डेंटिस्ट के पास जब विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा मिक्सचर जो मिक्स करते हैं ना डेंचरी मेजरमेंट्स के लिए, एक्चुअली दैट इज नथिंग, दैट इज द एल्जिनेट, ठीक है। तो एल्जिनेट एंड एल्जिनिक एसिड की हम जो बात कर रहे थे कहां से मिलता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैमिनारिन, फ्यूकस एंड मैक्रोसिस्टिस, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैमिनारिन, फ्यूकस एंड मैक्रोसिस्टिस। इट इज अबाउट दिस। एक लास्ट पॉइंट ब्राउन एल्गी के बारे में जो आपके एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन है, वो ये कि इसके जो ज़ूस्पोर्स हैं और गैमेट्स जो है, ज़ूस्पोर्स एंड गैमेट्स ऑफ ब्राउन एल्गी, ज़ूस्पोर्स एंड गैमेट, ये पियर शेप्ड होते हैं इसके अंदर। कैसे होते हैं? पियर शेप्ड है, पियर शेप्ड, और अनइक्वली अटैच्ड फ्लैजेला होते हैं। खैर मैं एनसीईआरटी डिकोड करूंगी तब बताऊंगी। पियर शेप्ड है एंड हैव लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला इसके अंदर होता है। दैट इज ऑल अबाउट द ब्राउन एल्गी, दैट इज द फियोफाइटा। नेक्स्ट जो लास्ट सब क्लास इसका रहता है, दैट इज द रोडोफाइटा, या फिर जिसे हम रेड एल्गी भी कहते हैं। ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, तो ओवरडोज हो जाएगा तुम्हें। मैम एग्जाम्पल्स वैसे याद नहीं, तो ज्यादा साधना मत दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे रोडोफाइटा और द रेड एल्गी, और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी डिकोड कर लेंगे यहाँ तक का। इससे पहले कि मैं सेशन को एंड करूँ, क्विक रिकैप कर लें इसका, पूरी क्लास का। चलिए जल्दी से आ जाओ, फटाफट एक क्विक रिकैप करेंगे जो कुछ भी हमने पढ़ा है, जिससे कि हम लोग का, मेरा जो अप्रोच है आप लोगों से वो ये है कि एटलीस्ट 70% सेक्शन आपको क्लास में ही याद हो जाए। तो चलिए जल्दी से एक क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले ग्रीन एल्गी की 3 सब क्लासेस थी, दैट इज द क्लोरोफाइटा, जिसे हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। सेकंड वन इज द
फियोफाइटा जिसे ब्राउन एल्गी कहा जाता है, एंड थर्ड वन इज द रोडोफाइटा जिसे हम रेड एल्गी कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लोरोफाइसी, दैट इज द क्लोरोफाइटा, या फिर जिसे हम कहते हैं ग्रीन एल्गी। तो जैसा नाम वैसा ही इसका काम भी है, क्या कि ग्रीन एल्गी कह रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर क्लास को, इस पर्टिकुलर सब क्लास के जितने भी मेंबर्स होंगे, ऑल द मेंबर्स इंक्लूडेड इन दिस क्लास, उनका कलर कैसा होगा, वो ग्रीन कलर के ही दिखाई देंगे। दूसरी चीज हमने जो बात की, इसको मोस्ट एडवांस्ड एल्गी कहते हैं, दे आर द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट। मोस्ट एडवांस्ड एल्गी कौन सी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एडवांस्ड एल्गी, तो दिस इज द ग्रीन एल्गी। फिर हम बात के भाई रहेंगी कहाँ, हैबिटेट कैसा है, तो कॉस्मोपॉलिशन नेचर है, मतलब सब जगह पाई जाती है ये, ठीक। फिर हैबिटेट के बाद हमने बात की इसकी कि किन किन फॉर्म, सेल वॉल की बात की, सेल वॉल इसकी इनर लेयर सेलुलोज की, आउटर लेयर पेक्टोज की है। फिर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हमने बात की कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, इनके एग्जांपल से डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है बच्चों, जैसे कि यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, एसिटा बुलेरिया एंड क्लोरेला। फिर हमने बात की कॉलोनियल ग्रीन एल्गी, कॉलोनियल में वॉल्वॉक्स मोटाइल कॉलोनी होती है, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म में भी अवेलेबल है, एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरो वगैरह, और मल्टी सेलर थलॉइड या फिर पैरेन्काइमेटस फॉर्म में भी है, दैट इज द अलवा। इन सब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के एक एक एग्जाम्पल शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बेटा यहाँ से बनता है। फिर हमने इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में बात की, जो चार्ट से हमें ऑलरेडी पता था कि भाई क्लोरोफिल एंड बीटा कैरोटीन तो मैं सब में लिखूंगी, ये तो यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्लोरोफाइटा में क्लोरोफिल बी है, फियोफाइटा में सी है, और रोडोफाइटा में डी है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल में याद रखा है हमने ल्यूटियाजेंथिन एंड वायलोजेंथिन। स्टोर्ड फूड की बात करूँ तो स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट, ये इसके स्टोर्ड फूड है यहाँ पर, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने चार्ट से पढ़े हुए हैं वैसे कुछ चीज़ें। नेक्स्ट, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे लिए कैसे फायदेमंद है, तो एज अ फूड, क्योंकि स्पाइरुलिना के बाद सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट क्लोरेला के अंदर ही होता है, तो इसे एज अ फूड यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक, क्लोरेलिन नाम की एंटीबायोटिक आपकी क्लोरेला से मिलती है, तो एंटीबायोटिक में है। तीसरा, स्पेस ट्रैवलर्स इसका इस्तेमाल, क्योंकि क्लोरेला जो है स्पेस ट्रैवलर्स द्वारा एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल में ली जाती है। दैट इज ऑल अबाउट द ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फियोफाइटा, दैट इज द ब्राउन एल्गी। सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है जी, क्या क्या नाम और देते हैं, ब्राउन एल्गी या फिर कह दीजिए सी वीड्स, या फिर से कैप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले तो वही चीज आएगी, ब्राउन एल्गी की बात करें, सबसे पहले तो इसका हैबिटेट बोलो कहाँ मिलेंगी, तो मरीन वाटर में मिलती है। किस फॉर्म में होंगी, तो ये ग्रीन एल्गी की तरह नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म में होती है, लेकिन ब्राउन एल्गी दे आर 100 मीटर लंबी होती है, बहुत लार्जेस्ट इन साइज, और उसमें भी सबसे बड़ी कौन सी है, तो लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी मैक्रो, नाम से पता लग रहा है बड़ी, मैक्रो साइज है, तो मैक्रोसिस्टिस, इट इज द लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी। फिर हमने बात की, ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि एल्गी की प्लांट बॉडी थैलॉइड टाइप है, यानी कि प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, तो उसका थैलस कैसा है, तो हमने बताया देयर इज लमाइना टाइप एंड होल्ड फास्ट, लमाइना और फ्रॉन्ट, लीफी और फोटोसिंथेटिक पार्ट है इसका। स्टाइप की हम बात करें तो इसमें से बच्चा इलॉन्गेटेड ट्यूब प्रेजेंट होती है, इन ट्यूब को हम क्या कह रहे हैं, ट्रम्पेट हाइफे, इन ट्यूब को आप क्या कहते हैं, ट्रम्पेट हाइफे, और ट्रम्पेट हाइफे का रोल किसमें, फूड कंडक्शन करवाता है स्टाइप के अंदर, और ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं आपके वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर, उसका एनालॉगस स्ट्रक्चर है, एनालॉगस यानी कि उसके फंक्शनली सिमिलर है। फिर होल्ड फास्ट, होल्ड नाम से होल्ड मतलब पकड़ना, अटैचमेंट, तो इसका रोल अटैचमेंट के अंदर है। एग्जाम्पल आपको ब्राउन एल्गी के यहाँ दे रखे हैं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, DEF ऐसे याद रखो, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्राउन एल्गी, ठीक। फिर हमने वही कॉमन चीज जो सब में पढ़नी है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात की, तो क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन, तो आंख बंद करके लगा दी, बिकॉज दे आर द यूनिवर्सल पिगमेंट, ए के बाद आता है बी, वो क्लोरोफाइटा में था, तो यहाँ पर सी प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड बीटा कैरोटीन। जेंथोफिल उधर ल्यूटियाजेंथिन एंड वायलोजेंथिन है, यहाँ पर है फ्यूकोजेंथिन, और फ्यूकोजेंथिन अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ब्राउन एल्गी का जो ब्राउन कलर है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथिन।
स्टोर्ड फूड कई बार पूछा जा चुका है, क्लोरोफाइटा में स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स, यहाँ पर लैमिनारिन एंड मैनिटॉल, ये इसका स्टोर्ड फूड है। फिर एक टर्म की बात चलती है, फाइकोकोलॉइड्स। फाइकोकोलॉइड्स क्या होते हैं, हमने ये देखा कि भाई एल्गी की जो सेल वॉल है इसके ऊपर कुछ कोलॉइडल सब्सटेंस, कौन से कोलॉइडल, जैसे कि फ्यूकिनिक एसिड, एल्जिनिक एसिड, फ्यूकिनॉइड, ये कुछ कोलॉइडल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, इसे हम कहते हैं फाइकोकोलॉइड। ये आपकी ब्राउन एल्गी को डेसिकेशन या फिर शॉक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, डेसिकेशन और शॉक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इसका काम है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो याद रखना एल्जिनेट और एल्जिनिक एसिड जो है लैमिनारिन, फ्यूकस एंड मैक्रोसिस्टिस, लैमिनारिन यहाँ से मिलता है। फिर हमने बात की इसके लाइफ साइकिल के बारे में, वैसे तो एल्गी का जो लाइफ साइकिल है ये हैप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है, बट एक्सेप्शन था उसमें ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में भी एक्टोकार्पस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक्टोकार्पस का डिप्लो हैप्लोन्टिक टाइप है और फ्यूकस का हैप्लोन्टिक टाइप, डिप्लोन्टिक टाइप ऑफ, सॉरी, फ्यूकस का डिप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल प्रेजेंट होता है। It is all about this. It is all about my today's session. Thank you so much guys for watching this video. Kal fir milenge hum. Kal hum log rhodophyta, that is the red algae, aur bryophytes, jinhe amphibians kise kehte hain, reptiles of plant kingdom kise kehte hain, dharti par, prithvi par, terrestrial habitat mein sabse pehla plant jo land surface par avtarit hua, वो कौन से हैं, लेकिन सक्सेसफुल क्यों नहीं रहे, ये तमाम चीजें विद द लाइफ साइकिल हम हमारी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।